ठीक है अभी दिखाता हूँ विली। हाँ हाँ ठीक है रोको। चेक मारो इधर से, मंदा मार रहा है विली। एंड पब्लिक रिएक्शन इज सो क्रेजी। ओ लॉन्गेस्ट विली। हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। तो गाइस अभी मैं कोई अलग अलग लोकेशन पर, एक्चुअली बहुत ही ऊंचाई पे हूँ और इधर से नजारा तो बस मस्त आ रहा है। और एक्चुअली मैं अभी पसीना से फुल भीग चुका हूँ और इधर से सूरज मामा बहुत ज़्यादा ब्राइटनेस बढ़ा के रखे है, तो दिक्कत तो हो ही रहा है। पर क्या करेंगे, आज एक्चुअली आया था बस घूमने के लिए इस साइड पे। तो आने के बाद दोस्त लोगों के साथ थोड़ा बहुत घूमा और अचानक से एमके भाई बोल रहा है कि चल ब्लॉग बना लेते, तो मैंने सोचा कि चलो बना ही लेते और चलो अभी निकलते आज का ब्लॉग बनाने के लिए। तो आप लोग वीडियो पर बना रहो और वैसे चलो निकलते। तो फाइनली गाइस कुछ अलग वाला लोकेशन से हम लोग निकल चुके हैं ब्लॉग बनाने के लिए। सामने रहा एमके भाई, आप लोग देख सकते हो वैसे मस्ता लीन ले भाई। ओ हो खतरनाक बड़ा लीन था वैसे, पर मैं कवर दे नहीं पाया इधर से तो सीधा चला गया, पर दिक्कत नहीं है कंट्रोल कर लिया। और वैसे चलो अभी इस तरफ जाएंगे। ओ भाई एक्चुअली मैंने फॉलो नहीं किया था कि ऊपर चढ़ाई है, तो अचानक चला चुका है एंड पे थोड़ा बहुत पेन लगा, पर दिक्कत नहीं है। चेक करो बंदा कैसे नागिन की तरह निकल रहे भाई, सब आराम से जा भाई। सो एक्चुअली आज का राइड पे बहुत ज़्यादा मस्ती आने वाला है क्योंकि शुरुआत ही इतना खतरनाक हुआ, तो मस्ती तो होगा ही। तो आप लोग वीडियो में बन रहा हो वैसे और एक लाइक कर देना प्लीज़, क्योंकि इतना गर्मी में व्लॉग बना रहा हूँ और बहुत ज़्यादा सूरज भी हो रखे है, तो एक लाइक तो बनता है हम लोगों के लिए गाइस। तो प्लीज़ एक लाइक कर देना। एंड एमके भाई रहा अभी सामने, चेक दिस आउट गाइस टायर की साउंड। ओ भाई क्या टायर की साउंड आ रहा है भाई, मैं तो समझा कि तेरा साइकिल का साउंड है, वो ट्रक वाला आ रहा है तेरा पीछे से। चेक मारो गाइस साउंड चेक करवाते आप लोगों को। भाई सब क्या काट मार रहे बंदे इधर पे, क्या बावली मारा था भाई, साउंड खतरनाक है। सो ट्रक वाला भैया इधर से बोल रहा था कि जबरदस्त जबरदस्त कर। ओ भाई TSR इधर से क्रेजी रिएक्शन आया था भाई। एंड ये वाला रोड जो अभी तक अच्छे से ठीक नहीं हुआ, जब ठीक होगा मैं इन्फॉर्मेशन दे दूंगा आप लोगों को। एंड बहुत दिनों का वेट था ये कब बनेगा एंड फाइनली बन चुका है। तो चलो अभी निकलते इधर से, कैसे कैसे निकल रहे हैं आज तो। राइड का शुरुआत इतना खतरनाक हुआ तो इंट तो खतरनाक होगा ही। तो आप लोग अगर स्किप करके देख रहे हो ना तो मज़ा नहीं आएगा, सच बात बोल रहा हूँ। पता है गाइस बहुत लोग स्किप कर देते हैं, प्लीज़ स्किप मत करो। हाँ हाँ फिर से इस वाला भाई ना, मतलब जब राइड पे निकलता हूँ तब भी मिल जाता है। चलिए ई रिक्शा चलाते हैं ना, तो हर टाइम ही बाजार पे रहते हैं तो मिल जाते हैं। एंड हम लोग अभी बहुत ज़्यादा भगा रहे हैं गाइस। हाँ और तुम दोनों क्या इधर पे ट्रैक लगाया था? अच्छा अच्छा नहीं के साथ था और मैं अकेला था। अच्छा अच्छा जोश है मेरे अंदर, ड्रैग विद बाइक। हाँ बढ़िया से था वैसे, एक्चुअली जस्ट फॉर फन है गाइस, कोई इसको सीरियस मत लेना इधर पे। सही है सही है, लगाना चाहिए, सेफ्टी के लिए बहुत ज़्यादा जरूरत है भाई। एक चीज़ अगर बोलूँ तो मतलब सुनने में खराब ही लगेगा आप सभी लोगों को, भाई अंकल वाला का हेलमेट किधर है यार, एक बार भाई खुद का फैमिली लेकर चल रहे यार, थोड़ा सेफ्टी का तो समझो यार, कब समझेगा हम लोग के इधर की लोग। क्या ही करेंगे, कुछ करने का नहीं है, छोड़ो खुद का सेफ्टी भाई खुद का पता नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे। तो चलो भाई ऊपर चलते, इसके बाद ही मिलते आप लोगों के साथ। A few moments later. ठीक है अभी दिखाता हूँ विली। हाँ हाँ ठीक है रोको रोको। तो रेडी स्टडी एंड लेट्स गो। गड्डी था ना इसलिए भाई, घुमा कर मार सेम जगह पर ही मार, घुमा कर मार तू। सो वैसे भाई चेक मारो इधर से, मंदा मार रहे विली। एंड पब्लिक रिएक्शन इज सो क्रेजी। ओ लॉन्गेस्ट विली ब्रो। और एक मारने के लिए रिक्वेस्ट कर रहे, तो चलो अभी चेक करते। एंड सेकेंड विली चेक मारो, अच्छा लगा ना? ठीक है टाटा। गाइस इधर से अंकल वाला जो है रोड की काम कर रहे हैं, तो उन लोग अचानक से देखा कि हम लोग इधर से आ रहे हैं, तो बोला कि उली मारने के लिए। तो एमके भाई ने उन लोगों का बात माना और उली दिखा दिया। हाँ और एक्चुअली बात माना उली दिखाया, बहुत ही खुश हो गए थे। एंड उस दिन हम लोग इस बार रोड पे ऑफ रोड किए थे, पर आज इधर पे बैरिकेड दे दिया, अच्छा हुआ कि कर लिया भाई ऑफ रोड, नहीं तो रूल्स के बाहर है इधर पे नीचे जाना, सही है ना? हाँ वही तो। चले गाइस उन लोगों का भाई स्माइल इतना अच्छा था ना, क्योंकि उन लोग देखो काम कर रहे हैं तो बोर हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, तो तब उन लोग का लाइफ में अगर ऐसा छोटा छोटा एंजॉय मोमेंट आएगा ना
और जस्ट फन के लिए थोड़ा बहुत टाइम मिलेगा तो उन लोग बहुत ज़्यादा खुश होगा। तो उन लोग ने रिक्वेस्ट किया तो चलो हम लोग भी उन लोगों को खुश कर दिया और उन लोगों का स्माइल देखकर हम लोग भी खुश हो गए। अभी चलता हूँ इधर से मैं घर की तरफ क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी हो रखी है। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का ब्लॉग आप सब लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो मेरा चैनल को करना, पेज को करना फॉलो एंड लाइक। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय।